अस्सलाम वालेकुम। आज आपको फिर हम एक नई जगह लेके जा रहे हैं जायके घर घर की शूट करने के लिए। और ये जो जगह है ये बहादुराबाद कच्ची मेमन सोसाइटी कहलाती है। मैं भी इसी विसिनिटी में रहती हूँ, बहुत करीब इनसे। और एक्चुअली ये मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, मेरी नेबर भी हैं, तो इनके घर हम जा रहे हैं। और आपको इनसे क्या सीखने मिलेगा ये तो अभी मुझे भी नहीं पता है। वहीं चल के हम देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है दीदी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपने आखिर अपने घर बुला ही लिया। ऐसे तो आप आई नहीं ना, अब इस बहाने आ गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। कौन सी वाली डॉक्टर है? ये डॉक्टर वाली। माशाल्लाह, आप अंदर चलिए। क्या बात है। माशाल्लाह जबरदस्त नसीमा। थैंक यू नसीमा, आपने अपना घर खोला हमारे लिए और मुझे बुलाया इतने बड़े दिल से। खैर बुला तो बेचारी मुझे, कब से रही है? 15 साल से रही है, लेकिन आज मेरे नसीब में लिखा था। शायद बहाने लिखा हुआ था आंटी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरे घर पर आई और मुझे मौका दिया। इतनी एक्सीलेंट कुक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी क्लास करने आती है और अगले दिन से फ़ोन कर करके मेरी जान खाती है, आंटी ये कैसा ये कैसा ये कैसा, और सेम वैसे ही बनाती है। शी इज सच अ गुड कुक। और अभी बेटी उसकी कह रही थी कि आंटी ये दूसरी चीनी नंबर बन गई। मैं तो कहती हूं इनको भी टीवी पे ले ले। हां अच्छी बात है, बिल्कुल कॉपी है। फॉर 25 इयर्स है ना, काफी सालों से। बहुत साल से आंटी ने कभी भी मम्मी से सीखा है? मैं तो आपके पास भी आई थी आंटी। आप आए हो? आपने? मैं नहीं आई, मैं मम्मा से सीख लेती हूं। सीखी है, मौका नहीं मिला। अपने घर में आप खुद कुकिंग करते हो? वेरी गुड बेटा। आज आप क्या सिखा रहे हैं हमें? आज आपको मैं अपना हमारा अपना मेमन डिश, सर्दियाँ आ रही हैं, मेमन डिश है अपनी कच्ची मेमनों की मोथाल, तो वो मैं स्वीडिश सिखाऊंगी। मोथाल तो मिठाई होती है, मिठाई होती है सर्दियों की मिठाई। मेहनत वाली आप सिखाओगे? इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है वो मसाले वाली रोटियाँ, उसको जैसे बोलते हैं आले बदर की नियाज़। मेरी बहन से मैंने सीखा है, माशाल्लाह वो तो बड़ी देख बनाती हैं। उनके घर में रजब में नियाज होती है। जी बेटा, आप क्या कर रहे हो? मैं आंटी डेंटिस्ट हूँ, तो आई प्रैक्टिस। वेयर डू यू प्रैक्टिस? आई प्रैक्टिस एट डॉक्टर्स प्लाजा, दो तलवार पे। तो अब मैं अपने दांतों के इलाज के लिए आपके पास आना शुरू करूँ? जरूर जरूर, मैं आपका इंतजार करूँगी। आपने बेसिकली कहाँ से? बेसिकली मैंने ज्यादातर आपसे ही सीखा है, क्योंकि मेरी सास को खाने पीने का बहुत शौक। तो आपने मेरे पास तो आप बहुत क्लासेस की, लेकिन मुझसे पहले नहीं, उससे पहले कभी किसी क्लास उस वक्त ना शोर नहीं था। मम्मा ने जो अपने हेरिटेज वाले जो खाने हैं ना, वो अपनी सास से और अपनी बहन से ज्यादा सीखे हैं। आपके हस्बैंड को खाने का शौक है? बहुत। तभी तो इतने खाने पकते हैं। मेरी सास को भी, मेरे हस्बैंड को भी, सबको बहुत शौक है, बच्चों को भी। आप क्या ख्याल है, किचन में चले? जनाब हम आ चुके हैं नसीमा के किचन में। इतना मज़ा आ रहा है, एसी फुल लास्ट पे चल रहा है, ठंडा ठंडा किचन है, इतना वेल डेकोरेटेड किचन है, तो पकाने का तो मज़ा आएगा ही ना। तो मैं तो सोच रही हूँ अब अपनी क्लासेस यहाँ शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, ठीक है ना? आपको फ्री सीखना होगा, आप फ्री सीखिएगा, हम आपकी किचन यूज़ करेंगे। ओके, सही है। अच्छा, मोथाल बन रहा है जी? ठीक है, अब आप पहले इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। इसमें एक मैं बना रही हूँ 250 ग्राम का बेसन है, एक पाव। ठीक है, एक पाव बेसन है, एक पाव खोया है, ठीक है, बादाम पिस्ते, जितना वो कहते हैं ना गुड़ डाले उतना मीठा बनता है, लेकिन आपका तो मैंने एक कप के हिसाब से मैंने भर के डाला हुआ है। ठीक है, गूंद आधा कप है। अच्छा। और जायफल, इलायची और जावंत्री। ठीक है, ये मतलब 2-3 पत्तियाँ जावंत्री की और क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा जायफल और 6-7 इलायचियाँ। ठीक है, तो इसको मैंने एक साथ
पीस के रखती है। और जर्दे येलो कलर, जर्दे शीरे के लिए इलायची पाउडर 1 टीस्पून, ये भी इसके साथ ही ऐड करना है। हम पहले इसमें घी डालेंगे, घी भी इतना एक पाउच जाएगा, एक पाव से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपने नाप के रखा, नाप के रखा हुआ है सब, सब चीज नाप के रखा है। एक पाव से ज्यादा है घी, ठीक है, 1.25 पाव जितना घी है, एक पाव, डेढ़ पाव जितना घी, जैसे डेढ़ पाव घी है, एक पाव बेसन है, एक पाव खोया है, 1 कप भर के बादाम पिसते हैं, ये गोंद इन्होंने फ्राई करके कूट के चूरा करके रख लिया है ताकि टाइम बच जाए। जायफल, जावत्री, छोटी इलायची का पाउडर सब मिला के 1 टीस्पून, जर्दे का कलर और चीनी 3/4 कप जितनी शीरे के लिए। पहले घी डालेंगे, एक पाव जितना, 1.25 पाव जितना घी चला गया, और उसके बाद ये बेसन, ये 1 पाव बेसन चला गया। इसको हल्के पे ही भूनेंगे। आप शीरा चढ़ाओ, मैं भूनती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। पहले चीनी डालेंगे। अच्छा, शीरा चढ़ रहे, 3/4 कप चीनी और 1/2 कप से थोड़ा, बस इतना पानी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, अंदाजन 1/2 कप से ज़्यादा बस। ठीक है, तीन चौथाई कप है आपका चीनी, ज़रा सा जर्दे का कलर और पानी इतना कि चीनी से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। कितनी देर भूनते हैं नसीमा इसको? बस 2-3 मिनट पहले आटे को भून के फिर खोया डाल। सिर्फ 2-3 मिनट भूनना है? अच्छा, ये किसकी, आपकी अम्मी की रेसिपी ये है? मेरी अम्मी की रेसिपी है, मगर अम्मी से नहीं सीखा, मैंने अपनी बहनों से सीखा। अच्छा, बड़ी बहनों से सीखा। आप बहनों में सब में छोटी हो? मैं सबसे छोटी हूँ, भाइयों में, इसीलिए सबसे छोटी हूँ। आपके लाड उठाते हैं। हाँ, बादाम पिसते, पहले ये इलायची पाउडर और ये जाएगा, इलायची, जायफल, जावत्री, शीरा, इनके गूंद दे दें। गूंद, सब चीज़ें एक साथ चली जाएंगी। अल्लाह, माल मलीदा नाम करे क्या, माल मलीदा काम करे, बहू जी का नाम हो। इसको 2 मिनट चूल्हे पे रखे, पका लेंगे 2 मिनट के लिए। और 1/2 ये बादाम पिस्ते, कलर सही आंटी, जबरदस्त। अच्छा, फिर पकाना है? 2 मिनट के लिए रखेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के फिर 2 मिनट और पका लें। वेरी इजी नसीमा, मेरी रेसिपी बहुत मुश्किल है। आपकी ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैंने शो में बन जाता है, लेकिन मुश्किल है। वाओ, आप कौन से मेहमान? कच्ची मेहमान। हाँ, कच्ची मेहमान है हमारी तरफ। और आपके जो बड़े भाई हैं, एक बरादरी के नेबर हैं। हाँ, आपके जो बड़े भाई हैं वो तो मेरे हस्बैंड के साथ होते हैं कमेटी वगैरह में, वो जानते हैं अच्छी तरह से। जी, हम नसीमा की सेकंड स्पेशल मेमनी डिश पे आ गए, जो कि मुझे भी नहीं आती है और मैंने कभी सुना है, तो लग रही बहुत मज़े की है। इन्होंने मसाले वाली रोटी बनाई है गेहूं के आटे से, किस तरह बनाई है, क्या मसाले डाले, ये अभी बताएंगी। जितना आटा आपने रोटी के लिए लिया है, अगर 1 पाव आटा लिया है तो गोश्त 1/2 किलो बॉयल करके रखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। ये सरसों का तेल जाएगा इसके अंदर, पहले सरसों का तेल लाजमी है। अच्छा, हाँ, उसमें 1-2 कप जितना तेल जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में तेल। और सरसों का मस्ट है, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसके बाद ये साबित गरम मसाला इसके अंदर पहले जाता है, जिसमें मेथी है और छोटी इलायची है, मेथी दाना है, दालचीनी है और काली मिर्च है और 2-3 लौंग है। खुशबू निकलती है मेथी दाने से, ये
ये हरा मसाला है, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, छोटी बड़ी हरी मिर्च देखते हैं अंदाजन लगती मिर्ची के साथ टेस्ट के साथ से। तो ये अदरक लहसुन नहीं जाता तो सिर्फ अदरक जाती है। इसमें हरा धनिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें छोटी या बड़ी और अदरक, ये सब पीस के इसमें हरा मसाला जाएगा। आपने आधी गड्डी दी थी हरा धनिया? हाँ, अंदाजन आधी गड्डी। और हरी मिर्चें 8-9 हैं तकरीबन, छोटी बड़ी मिक्स करके। ठीक है, 8-9 छोटी बड़ी मिला के हरी मिर्चें थी और अदरक और हरा धनिया। और ये इसके साथ ये जीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ठीक है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, 1 टीस्पून हल्दी, जीरा 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के डालिएगा, चिली पाउडर 1 टीस्पून, डेढ़ टीस्पून डालिएगा, और नमक टेस्ट के हिसाब से 1.5 टीस्पून। गोश्त मैंने बॉईल करके रखा है, चने की दाल बॉईल करके रखी है, इसमें ज़्यादा असल में कच्चा गोश्त है। अच्छा। उसको मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनना होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम की वजह से मैंने बचाने के लिए इसको बॉईल करके रखा है। कुछ भी नहीं, बस ऐसे सिंपल पानी डाल के मैंने मेट को कहा सिर्फ इसमें लाल मिर्ची डाल दो ताकि गोश्त में हल्का सा टेस्ट आ जाए, नमक और लाल मिर्च बस, वो भी थोड़ी सी समझ आ गया। इसमें कच्चा गोश्त जाता है, इस वक्त आप समझ लें कच्चा गोश्त जाएगा और उसको अच्छी तरह भूना जाएगा। लेकिन नसीमा ने चूंकि टाइम कम है हमारे शो का तो इसको बॉईल करके डाला है, अब बॉईल किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक पाले इसके साथ। स्टॉक डाल में जाएगा, पहले मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है, फिर स्टॉक जाएगा। और आपने मसाले वाली रोटी में गेहूं का आटा, हाँ, इसमें भी 1 पाव गेहूं का आटा दिया है, और जो ये मसाले है ना, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ये सब 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है, और इसके साथ मैं सरसों का तेल 1/4 कप डाला है। गोश्त के साथ ये दाल जाएगी, दाल को भी बॉईल करके रखा हुआ है। ओके, ये दाल इसके साथ जाएगी, कितनी, 1/2 पाव, ये 1/4 कप, ये इसमें कम क्वांटिटी में बनाया ना, फिर आपको जितनी क्वांटिटी बढ़ानी है अपने हिसाब से आप बढ़ा लें। अभी सारा स्टॉक चला जाएगा, ठीक है, ये जो स्टॉक बचा हुआ था गोश्त बॉईल किया हुआ ये आपने डाल दिया। अच्छा, अब हमने समझे कच्चे गोश्त से बना रहे हैं, तो हम पानी डाल देंगे। ठीक, ये गर्म पानी में उबाल आया, इसके साथ हम ये रोटियां डाल देंगे। पाँच सात मिनट इसको 1/2 ढक्कन रख के पकाएंगे, इसके बाद इसको फिर धीमी आंच पर रखेंगे, और फिर हरा धनिया और ये नमक अपने हिसाब से डालेंगे इसके ऊपर, और क्योंकि पानी भी गया है, रोटियां भी गई हैं, ठीक है, तो नमक और डाल देंगे, बस ये रेडी रखेंगे, तेल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मेरे मुँह में मुझसे पानी आ रहा है बस। तो आज का शो यहीं, हम मतलब खाने से पहले नहीं लेकिन खा के आपको टेस्ट करके बताऊँगी। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं अपनी ब्रेक की तरफ, और हम चल रहे हैं नसीमा के डाइनिंग रूम में, और वहाँ बैठ के हम ये ज़बरदस्त सा सालन इनका मसाला रोटी का ट्राई करेंगे। आपसे कहा था एक डिश बनाना सिखाना, चलो आपने दो सिखा दिए, तो फिर और क्या टेबल भरी दी है? दी ऐसे तो नहीं ना, खाली टेबल अच्छी नहीं लगती, जाती है कुछ भी नहीं आंटी, ये तो इतने मजे का लग रहा है जो आपने सिखाया है, आप और मेरे से अब सबर नहीं आप रहा है। इसमें डाल के देखिए, चलें आप लोग भी शुरू करें। नहीं, आपने मटन नहीं डाला है, मुझे आप नहीं डालिएगा, मैं खुद लूंगी थोड़ा सा, नहीं नहीं मैं खुद लूंगी, अभी आप इसके साथ, अच्छा मैं लूंगी इसके बाद लूंगी, दूसरी भी तो चीजें खाऊंगी ना। बहुत मजे का है, आप लोग को पसंद है ये? बहुत है ना, बहुत ज्यादा, जब बनती है तो शौक से बहुत आते हैं, इट्स लाइक अ कंप्लीट मील। जरूर ट्राई कीजिएगा,
और हम सबको दुआ में याद रखिएगा, बिकॉज ये इतनी डिफरेंट रेसिपी है वाकई में। आपके हस्बैंड की फेवरेट डिश कौन सी है? गाजर का हलवा। अच्छा, वो उनको बहुत पसंद है। और मेन मेन कोर्स में हलीम। हलीम बहुत पसंद है। और है ना, अब मीठे में इनको गाजर का हलवा सर्दी में पसंद है, वो भी मेरे हाथ का ही खाते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी खा लेंगे कहीं भी तो बोलेंगे वो तुम्हारा जैसा टेस्ट नहीं आता। लकी मैन, माशाल्लाह, वेल डन। मैं कहती हूँ 15 मिनट में ऐसा मोहनथाल बनाना, इट्स अ मैजिक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं आपको थैंक यू करूँगी, आपके हस्बैंड का थैंक यू करूँगी कि उन्होंने आपको इजाज़त दी, आपने हमें अपना घर में आके रिकॉर्डिंग करने की वो दी, दावत दी, आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई हमारी खातिर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको मेरे शो पे भी एक दफ़ा आना होगा, बिकॉज आपकी चीज़ें टू गुड है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, वी आर सो एक्साइटेड के बहुत रेडी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हमेशा आप लोग खुश रहिए। इंशाल्लाह आपसे एक और जायके घर घर के नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।